नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि पूरी तरीका से प्रीता जो कि करण को बेकसूर साबित करके जेल से बाहर निकाल दी, लेकिन दोस्तों जो कि करण के जो एक उसके माइंड में चल रहा है कि किसी भी तरीका से प्रीता चाहती हैं कि इस घर की मालकिन हमेशा मैं रहूं, क्योंकि गलत फहमियों का जो बीज है वो करण के माइंड में लगातार प्रीता के खिलाफ चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी और सैलन ने मिलकर जो ये गेम खेला है इस समय जो कि करण और प्रीता के खिलाफ, वो वाकई में काम कर गया है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सैलन, नताशा और पृथ्वी ने एक प्लान सोचा था कि किसी भी तरीका से करण और प्रीता के बीच में दूरियां पैदा करने का। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सबसे बड़ा गेम स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिलहाल लूथरा इंडस्ट्री की मालकिन है, लूथरा हाउसिंग की मालिक है प्रीता, लेकिन करण को लगता है कि इस समय जो कि प्रीता ने ताकि मुझसे ऊंचा नहीं निकल जाए करण, इसीलिए मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसाया है। लेकिन दोस्तों ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो जिसको हायर किया था खुद प्रीता ने ये जासूसी करवाने के लिए कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है, उसने साफ साफ खुले शब्दों में बताता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार पृथ्वी ही ये सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि पृथ्वी का जो गेम प्लान है जो उसने एक फैन के रूप में भेजा था, और उसने सभी पूरी तरीके से करण की जिंदगी को ही बर्बाद कर डाला है। अब करण का इस जीवन में एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीका से प्रीता इसकी जिंदगी से वापसी चली जाए। क्योंकि दोस्तों इस समय अगर करण किसी से नफरत करता है तो वो प्रीता है, क्योंकि प्रीता को देखने का भी मन नहीं करता उसका। अब प्रीता के साथ में चाहता कि किसी भी तरीका से प्रीता के साथ में रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हालांकि बात की जाए प्रीता की, तो प्रीता का खाली उसकी बहन यानी कि सृष्टि ही साथ दे रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता इस समय सबसे ज़्यादा अकेली है और वाकई में बहुत मजबूती के साथ में काम कर रही हैं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।